Hello students, welcome in EBC platform for continuous learning. I hope you all are fine and doing well. Dear students, in previous video we have discussed about the parts of the flower and the functions of various floral parts. In this video we study types of gynoecium. Students, gynoecium can be of two types depending on whether the carpels are free or not. Gynoecium two types के होते हैं और ये depend करता है कि उनके जो carpels हैं वो free हैं या नहीं हैं. कार्पल्स के फ्री होने से और नहीं होने से हम गाइनोशियम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. एपोकार्पस गाइनोशियम में जो हमारे कार्पल्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम द कार्पल्स आर फ्री, और इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहते हैं. एंड दिस एपोकार्पस गाइनोशियम यू कैन सी इन रोज. नेक्स्ट इज सिनकार्पस गाइनोशियम. सिनकार्पस गाइनोशियम द कार्पल्स आर फ्यूज्ड एंड in this condition the gynoecium is called syncarpus. ye fused form mein hota hai, stigma, style and ovary, and the fused form of carpel is said to be as syncarpus gynoecium. and the example of syncarpus gynoecium is mustard, china rose and petunia. iske alawa हम गाइनोशियम को थ्री टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स. नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस्ड पर गाइनोशियम को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मोनोकार्पलरी, बायकार्पलरी एंड पॉलीकार्पलरी. मोनोकार्पलरी कंडीशन में जो कार्पल्स होते हैं, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सिंगल कार्पल इज देयर एंड विच फॉर्म अ सिंगल पिस्टल. सिंगल कार्पल से सिंगल पिस्टल फॉर्म होता है और इस तरीके का जो गाइनोशियम होता है वो मोनोकार्पलरी कहलाता है. एंड एग्जाम्पल आर पीज एंड बीन्स, वेयर यू कैन फाउंड द मोनोकार्पलरी. एंड नेक्स्ट इज बायकार्पेलरी. इन दिस देयर मे बी टू कार्पल्स, जहाँ पर दो कार्पल्स आपके प्रेजेंट होंगे वो बायकार्पेलरी गाइनोशियम कहलाता है. एंड दिस कंडीशन यू कैन सी इन मस्टर्ड फ्लावर, वेयर टू कार्पल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट कंडीशन इज पॉलीकार्पेलरी. हियर There may be more than two carpels. यहाँ दो से ज़्यादा carpels होते हैं और वो condition polycarpellary कहलाती है. And examples you can give lady finger and magnolia. Now I will give you the summary of a bisexual flower. Bisexual flower में हम summary देख सकते हैं एक tabular form में. जैसे कि आपको पता है कि जो whorls होते हैं, there are four whorls in a flower: calyx, corolla, androecium,
एंड कोरोला, दैट इज दिस वन इज गायनोशियम एंड ईच हैविंग द यूनिट कैलिक्स. हियर यू कैन सी द यूनिट सेपल. कोरोला दैट इज पेटल्स, एंडोशियम स्टेमिन्स एंड द नेक्स्ट कोरोला दिस इज द कार्पल मीन्स द गायनोशियम पार्ट विच इज हैविंग वन और मैनी दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. नाउ ईच हैविंग द फंक्शन दैट इज यहाँ पर जो आपके कैलिक्स हैं सेपल्स हैं इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है टू प्रोटेक्ट द असेंशियल वर्ल्ड्स ड्यूरिंग बर्ड स्टेज. यानी जो आपके सेपल्स होते हैं वो क्या करते हैं जो हमारे असेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं उनको बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं. नेक्स्ट दे मैन्युफैक्चर फूड एंड पेटल्स द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द असेंशियल वर्ल्ड्स ड्यूरिंग बर्ड स्टेज. इंसेक्ट्स को पॉलिनेट करने के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए पेटल्स और ड्यूरिंग बर्ड स्टेज जो असेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ द एंड्रोशियम टू प्रोड्यूस पॉलन विद इन विच द मेल गैमिट्स डेवलप. और जो स्टेमिन्स होते हैं वो पॉलन प्रोड्यूस करते हैं जिससे मेल गैमिट्स डेवलप होते हैं. नेक्स्ट द एंड्रोशियम दैट इज स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन. स्टिग्मा क्या करता है पॉलन ग्रेन रिसीव करने का काम करता है और स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल्स विच प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स. सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स कैलिक्स कोरोला एंडोशियम एंड दिस वन इज गायनोशियम विच इज हैविंग कार्पल विच मे बी वन और मैनी दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड स्टेमिन्स हैविंग एंथर कनेक्टिव इज देयर एंड फिलामेंट इज देयर एंड ईच हैविंग डिफरेंट फंक्शन. आफ्टर दिस देयर इज वन टर्म दैट इज प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज सेड टू बी एज प्लेसेंटेशन. Within the ovary, ovules remain attached to a parenchymatous outgrowth which is called placenta. Here in this diagram, you can see these are the ovules which are attached to the outgrowth which is called as placenta. And this arrangement of the placenta within the ovary is said to be as placentation. Now, there is another important term which is known as the inflorescence. Dear students, inflorescence is of two types. That is racemose and cymose. First of all, I would like to give you द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस से हम क्या समझते हैं इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है. जो टर्म इनफ्लोरेसेंस है वो बताता है एक मैनर एक अरेंजमेंट फ्लावर्स का जो कि फ्लोरल एक्सिस पर होता है. और ये इनफ्लोरेसेंस दो मेजर टाइप्स का होता है जिसे हम रेसिमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं. This one is the racemose inflorescence
एंड दिस इज द साइमोज इनफ्लोरेसेंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू. इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, यानी ये जो आपका रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है इसमें जो मेन एक्सेस होती है इट नेवर एंड्स इन अ फ्लावर एंड कंटिन्यू टू ग्रो. यानी जो मेन एक्सेस होती है वो फ्लावर पर एंड नहीं होती है, ये कंटिन्यूसली क्या करती है, ग्रो करती है इनडेफिनेटली बियरिंग फ्लावर इन एक्रोपिटल ऑर्डर. एक्रोपिटल ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि ये जो यंगर आपके फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, टिप पर होते हैं. जो यंगर फ्लावर्स हैं, दीज आर द यंगर फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टिप, और जो आपके ओल्डर फ्लावर्स हैं वो टुवर्ड्स द बेस, दिस इज द बेस पार्ट. सो दिस इज द इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखने की होती है दैट द मेन एक्सिस नेवर एंड्स इन ए फ्लावर. जो मेन एक्सिस है वो कभी भी फ्लावर पर एंड नहीं होती है, इट ऑलवेज कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली बियरिंग फ्लावर्स इन एक्रोपिटल ऑर्डर. एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स द यंगर फ्लावर्स आर नियर द टिप एंड द ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस. ये ओल्डर फ्लावर्स हैं जो कि बेस की साइड में होते हैं, ठीक है, और जो आपके यंगर फ्लावर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट नियर द टिप. एंड दिस टाइप ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस यू कैन सी इन केस ऑफ मस्टर्ड, स्वीट पी एंड कोरिएंडर. नेक्स्ट कम द साइमोस इनफ्लोरेसेंस. दिस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस. इन दिस हियर यू कैन क्लियरली सी द मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर. यहाँ पर देखिए मेन एक्सिस फ्लावर में एंड हो रही है जबकि यहाँ पर मेन एक्सिस फ्लावर में एंड नहीं होती है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. एंड हियर यू कैन सी जो यंगर फ्लावर्स होते हैं दे डेवलप टुवर्ड द बेस. जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं, डेवलप टुवर्ड द बेस ऑफ द एक्सिस. एंड हियर द फ्लावर दस इन ए बेसिपिटल ऑर्डर. यानी इसमें जो आपका रेसिमोस था ये एक्रोपिटल ऑर्डर था, और साइमोस में आपका क्या होता है, जो ऑर्डर है दैट इज़ द बेसिपिटल ऑर्डर. बेसिपिटल क्यों बोला इसका अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे यंगर फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द एक्सिस, और इस केस में जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पर होते हैं और ओल्डर फ्लावर बेस में होते हैं. So this is all about the inflorescence. I hope now you will understand the summary of the bisexual flower and inflorescence, placentation and types of gynoecium. So don't forget to share and subscribe the channel. Take care yourself. Thank you.